अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज के साथ मैं हूं महरीन इफ्तिखार और मैं हूं नवीद बिलावल। सबसे पहले आपकी हेडलाइन। बड़ी अदालत से नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ, तिबी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत मिल गई। इलाज पाकिस्तान में ही कराना होगा, बाहर नहीं जा सकेंगे। 6 हफ्ते बाद भी इलाज मुकम्मल ना हुआ तो गिरफ्तारी देकर अज़सर-ए-नौ जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अदालत का 50 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। नवाज शरीफ को रिहाई का फैसला सुनकर लाहौर कोट लखपत जेल के बाहर कारकुनान का जश्न, नारेबाजी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, अल्लाह करीम। शाहिद खाका नवासी कहते हैं, हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है, शहबाज शरीफ जेल के बाहर पहुंच गए। शहबाज शरीफ भी कर सकेंगे परवाज, लाहौर हाईकोर्ट ने अपोजिशन लीडर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। नैब जो इल्जामात लगा रहा है उसके दस्तावेजी सबूत दिए। सिर्फ इल्जामात पर नाम ईसीएल में नहीं डाला जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। सीन कायम अली शाह गिरफ्तारी से बच गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ठट्टा शुगर मिल्स केस में 8 अप्रैल तक पूरी जमानत मंजूर कर ली। कायम अली शाह का दादू शुगर मिल्स केस में भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला। बिलावल, भुट्टो की क्यादत में हुकूमत मुखालिफ कारवाने भुट्टो रवा दमा। कराची कैंट से निकलने वाला काफिला जंग शाही स्टेशन पहुंच गया। जियालों का शानदार इस्तकबाल। आसिफ जरदारी कहते हैं, आवाम ही बिलावल भुट्टो के सियासी वारिस हैं। इस्तकबाल करने वालों का शुक्रगुजार हूं। आज दुनिया के पहले अबू बचाओ मार्च का आगाज हुआ। वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का तंज, कहा ट्रेन मार्च पहली तहरीक है जो करप्शन को कानूनी तहफ्फुज़ देने के लिए शुरू की गई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, बिलावल को ट्रेन पर लाना चाहता था, ले आया हूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 मुस्लिम लड़कियां सरकार की पनाह में दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मामला जब तक अदालत में है लड़कियों को सिंध नहीं ले जाया जा सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट आइंदा समात पर जमा कराने की हिदायत। एलएनजी स्कैंडल में शाहिद खाका नवासी की नैब में पेशी, सवालात के जवाब दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा सब दे दिया, रोजाना बुलाएंगे तो रोजाना आ जाऊंगा। वजीर आजम के तेल के जखायर की दरियाफ्त के दावे पर साबिक वजीर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस्लामाबाद मुंतकली के फैसले के खिलाफ दरखास्त की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। नैब ने दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार देते हुए तहरीरी जवाब जमा करा दिया। अदालत की दरखास्त गुजारों के वकला को जवाबुल जवाब के लिए 2 अप्रैल तक मोहलत। असद मुरीन ने खुदकुशी क्यों की, चेयरमैन ऐप जावेद इकबाल ने खुद इंक्वायरी का आगाज कर दिया। असद मुनीर की मोबाइल फोन का डाटा मुतालिका कंपनी से तलब, नैब रावलपिंडी ने भी तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया। वजीर आजम के मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद से IMF के मिशन चीफ की मुलाकात। अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने मुआशी इस्लाहात के लिए इकदाम से आगाह किया। IMF मिशन हेड वजीर खजाना असद उमर से भी मिलेंगे।
से निकलने के लिए पाकिस्तान के इकदाम। FATF हुकाम से मुजाकरात शुरू। पैसिफिक ग्रुप का वफ्द आज FATF और नक्टा हुकाम से मुलाकातें करेगा। दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से मुतालिक उमूर पर बात होगी। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरतेहाल पर गौर के लिए विफाकी काबीना मिल बैठी। 20 निकाती एजेंडे पर गौर। वजीर आजम ने महातीर मोहम्मद के दौरे से मुतल्लिक काबीना को एतमाद में लिया। असद उमर की मलाशिया के साथ होने वाले मुआहदों पर ब्रीफिंग। दुश्मनों पर वतन अजीज की जमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की लौरालाई में कार्रवाई। लीविज एहलकारों पर हमले के मास्टरमाइंड समेत 4 मुबैना दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 4 एहलकार और 4 शहरी भी जख्मी। क्वेटा में टारगेट किलर्स का वार। मोटरसाइकिल सवारों ने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर हुसैन शाह पर गोलियां बरसा के जान ले ली। मुलजिम फरार। तलाश के लिए पुलिस के छापे। इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में 2 स्कूलों के बाहर से हवाई फायरिंग। नामालूम मुल्ज़िम स्कूल के 2 गेट्स पर 30 के करीब गोलियां चलाकर 9-2-11 हो गए। शहरी इक्तदार में कैमरों का इक्तदार, फिर भी मुल्ज़िम फरार। तालीमी इदारों में असलिया कल्चर परवान चढ़ने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के तलबा असलिया लहराते रहे। यूनिवर्सिटी में खौफो हिरास। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान बनेगा सियाहों की जन्नत। वजीर आजम ने अपने VN की जानिब अमली कदम उठा दिया। गैर मुल्की सियाहों के लिए NOC की शर्त खत्म। वजीर इत्तला कहते हैं शर्त खत्म करना सियाहत के फरोग के लिए बड़ा इकदाम है। और न्यूजीलैंड में तूफानी हवाएं। पुल भी हवा के जोरदार थपेड़े बर्दाश्त न कर सका और जमीन बोस हो गया। फुटेज मंजरेआम पर। पुल गिरने से ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल। ये थी आपकी हेडलाइन। आपकी खबरें इस ब्रेक के बाद।